बदलाव देखने को मिलेंगे आपकी विधानसभा में? देखिए, आगामी 5 साल तो बहुत दूर हैं। अभी हमको चुने हुए मुश्किल से 1 माह हुआ है, 2 दिन घट रहे हैं, 28 दिन हुए हैं। इन 28 दिनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जब मुख्यमंत्री पद का कारोबार ग्रहण किया, उसी दिन उन्होंने अपनी सोच को जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि अपराध मुक्त राजस्थान होगा, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित होगी, उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं होंगे, या अपराध का गढ़ जो राजस्थान बना हुआ था, अब अपराध मुक्त राजस्थान होगा, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ SIT का गठन कर दिया गया है, और 450 में सिलेंडर गरीबों को देना शुरू कर दिया है। हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गाँव में जो हमारे कैंप लग रहे हैं, उनमें आम गरीब को सहायता कैसे मिले, अधिकारियों को दरवाजे पर भेज करके सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी दस्तकार हैं, उनको भारत सरकार की ओर से सहायता दे करके उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। अभी तो देखिए ना आप क्या होता है, राजस्थान दौड़ेगा और विकास में नंबर बनाएगा। साधन परिवार से आते हैं, पेशे से वकील हैं आप, फिर बाद में राजनीति में आने की कैसे सोची, कैसे जनता की सेवा करने का? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखेंगे तो मेरे बाबा साहब से लेकर मेरे पिताजी तक पंचायत राज की राजनीति करते रहे हैं। मैं भी स्वयं भी पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ। पिछली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मुझे डांग विकास का बोर्ड का चेयरमैन बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। संगठन में मैंने वर्षों से काम किया है। मेरे दिल में जज्बा था कि मैं सरकार में कहीं ना कहीं शामिल होकर के आप गरीब की सेवा करके उनको राष्ट्र की मुख्यधारा से कैसे जोड़ सकता हूँ, उस जज्बे को मैं लेकर के चला। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश में मंत्री बना करके सरकार में भागीदारी तय करके जो विश्वास व्यक्त किया है, उनके विश्वास पर खरा उतर कर राजस्थान को नंबर 1 बनाने का काम करूंगा। जो आप केमिकल फ्री की बात कर रहे हैं और जैविक खेती की बात कर रहे हैं, तो उसको आप लोग कैसे आगे तक बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भी समय समय पर लोगों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने का काम करते हैं, और राजस्थान सरकार भी इस ओर आगे कदम बढ़ाएगी निश्चित रूप से। डॉक्टर अतुल गुप्ता जी और उनकी टीम ने और पिंजरा पोल गौशाला के सभी साथियों ने एक अच्छा प्रकल्प चालू किया है कि हम केमिकल फ्री राजस्थान और जैविक राजस्थान बनाने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से उस मुहिम में एक मील का पत्थर साबित होगा, और हम भी जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसमें इस विषय को रखकर लोगों को प्रेरित करने के लिए अभियान कैसे चलाया जा सकता है, इस पर निश्चित रूप से विचार करने के लिए आग्रह करेंगे। जैविक खेती होनी चाहिए, जैविक राजस्थान होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए, और इस ओर क्या अच्छा किया जा सकता है उस पर विचार जरूर किया जाए। चुनाव से पहले आपने कांग्रेस सरकार को कई बार घेरा, अपराध को लेकर, महिला अपराध को लेकर, पेपर लीक भ्रष्टाचार को लेकर, कई चीजों मुद्दों पे घेरा। आने वाले समय में आप कैसे एक्शन लेंगे इन सब चीजों पे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, और गड़बड़ी करने वाले लोग, अपराध करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप तो देखिए अभी दिन ही क्या हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। स्वच्छ राजस्थान, शांत राजस्थान और सुशासन इस प्रदेश में चलेगा, और सब लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच से प्रभावित होकर उनके साथ खड़े होकर भारत विश्वगुरु बने, इस संकल्प को पूरा करें। नए वर्ष पे राजस्थान की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये अंग्रेजी जो वर्ष है, जो आज से चालू हुआ है, ये आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें और भाईचारा और प्रेम बना करके राजस्थान के विकास में सहभागी बने। यही मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे अपेक्षा भी। राजस्थान को अपराध मुक्त करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे राजस्थान अपराध मुक्त हो जाए? निश्चित रूप से पुलिसिंग जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा।
जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले लोग तो कांग्रेस के लोग तो अपराधियों से साठगांठ करके शासन चला रहे थे, उनके मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, उनके आरपीएससी के मेंबर गिरफ्तार हुए हैं, उनके सेक्रेटरीट में तिजोरी में करोड़ों रुपया मिला है। जिस तरह का भ्रष्टाचार और अन्याय अत्याचार कांग्रेस के शासन में हुआ है उसको पूरी तरह समाप्त करके राजस्थान में सुशासन लाएंगे।